दोस्तों आज की जो वीडियो है बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि हर घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है मिक्सर ग्राइंडर की जार का जाम होना। तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा मिक्सर ग्राइंडर की जार को जाम होने से कैसे हम बचा सकते हैं और जाम होने के बाद कैसे उसको सिंपल और आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं, कई बार क्या होती है मिक्सर ग्राइंडर में ये जो जार है इसमें मसाला या किसी चीज को पीसने के बाद हम काफी देर तक इसी हालत में रखते हैं, जो कि उसकी पानी की जो नमी है धीरे धीरे वो जो साफ्ट होती है बूस होती है उसके बीच में चले जाते हैं, जिससे कई बार जंक जैसे चीज पैदा होती है, जिसके कारण कई बार जाम होने लगता है या जल्दी से जार खराब होने लगता है। तो सिंपल इसको जाम या खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे इसमें कुछ पीसा, पीसने के बाद इसको धो दिया, धोने के बाद इसको इस तरीके से जमा दिया। अब ये होगी कि इसमें जो भी पानी होगा वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी और मिक्सर ग्राइंडर की जो जार है वो जाम नहीं होगा, जाम होने से बच जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगर आपने मिक्सर ग्राइंडर की जो जार है उसको कई दिनों तक यूज नहीं किया है तो ब्लेड इसकी आराम से जाम हो जाती है। उस कंडीशंस में अगर ठीक करना है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, काफी सिंपल और सरल तरीके से पूरी बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या है, देखिए अगर जार की जो ब्लेड जाम हो गई है तो सबसे पहले इसमें पानी भर दीजिए, आधे घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो चक्री होती है इसे खोलेंगे। वीडियो में थोड़ा जूम करके बड़ा करके बताता हूँ। तो चलिए समझते हैं काफी सिंपल और आसान तरीके से। ये देख सकते हैं इसकी जार की ढक्कन निकालेंगे, निकालने के बाद ये जो पीछे चक्का लगा हुआ है चक्री, इसको हमें खोलना है। तो ये किसी भी तरीके से बिल्कुल खुल जाती है, क्योंकि जाम जो होता है इसका ये जो साफ दिख रहा है और ये जो बूस इसके बीच में जंक जैसे चीज पकड़ बनती है, इसीलिए सिंपल ये जाम हो जाता है। तो हमें क्या करनी है, पतली चीज लेनी है, खिला या कुछ लोहे की पतली सी चीज जो कि इस शाफ्ट के लायक हो, फिर इसको यहाँ से हमें ठोकनी है। ठोकते ठोकते धीरे धीरे जो अंदर की साइड खसकेगी और खसकने के बाद ये जो शाफ्ट होती है ये बिल्कुल बाहर आ जाता है। फिर जब आप देखते हैं कि इसमें जंक चिट जैसे चीज बनी होती है, तब आपको क्या करनी है, सिंपल घर में कोई पेपर फाइल होती है या फिर मैं यहाँ पर फाइल दिखा रहा हूँ, इसमें इस तरीके से इसको घिसते हैं, इस तरीके से चारों तरफ को इसको अच्छे से घिसाई करेंगे, जिससे इसमें जो लगी जंक है वो साफ हो जाएगा। फिर जब आप इसको वापस लगाएंगे मिक्सी की जार में तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल सकते हैं, फिर बढ़िया सा फ्री हो जाएगा। फिर चक्री लगानी है हमें, तो इस तरीके से आप जो है अपनी जाम मिक्सी की जार को काफी सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जार की जाम वाली प्रॉब्लम को काफी सिंपल और आसान तरीके से हम घर पर खुद से ही ठीक कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर लेकर आता हूँ मिक्सी ग्राइंडर से जुड़ी कोई नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो।